हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनिया सत्यानीता की ओर सांझ की राम राम चोगर दे के हरियाणा में मैं हाजिर सू हरियाणवी खबर सुनाने ताई। तो चलो खबरों की शुरुआत करा। हैदराबाद गैंगरेप के आरोपियों के एनकाउंटर पर गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अनिल विज ने ट्विटर पर नू लिखा सा है कि क्यों होया क्यूकर होया यो बेरा कोना, लेकिन जो भी होया गणा ठीक होया। जानकारी दे दें कि गुरुवार रात हैदराबाद पुलिस आरोपियों की NH 44 पर क्राइम सीन रिक्रिएट कराने खातर लेकर गई थी। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपियों ने मौके तक भागण की कोशिश करी, जिसके बाद पुलिस ने यू एक्शन लिया। अनिल विज का जो ट्वीट है वो आप टीवी स्क्रीन पर देख सको। सो जुकरुन ने लिखा है कि हैदराबाद गैंग रेप के आरोपी ढेर हो गए हैं, न्यूबे के आशा के क्यों होया क्यूकर होया पर ठीक होया। हैदराबाद गैंगरेप के आरोपियों के एनकाउंटर पर राज्य मंत्री कमलेश डांडा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। राज्य मंत्री कमलेश डांडा ने कहा कि मैं इस घृणित काम की निंदा करूं सू कि एक महिला की गेले ऐसा दुष्कर्म होया, लेकिन आज जो इसमें संलिप्त अपराधी थे वह अपराधी भागण की कोशिश करने लाग रहे थे, लेकिन पुलिस ने अपना काम कराया से उन आगे न्यू भी कहा कि महिला सुरक्षा हमारा मुद्दा है और हमारी सरकार इस पर कड़े कानून बनाने का काम भी करेगी। पलवल हैदराबाद और यूपी के उन्नाव में गठित गिनों ने अपराधा की आगी बताई। ठंडी नहीं हुई थी कि साई गिनों ना अपराध पलवल जिले में गठित हो गया। पलवल जिले के अथीना क्षेत्र में चार दरिंदा ने 17 साल की नाबालिग लड़की कर रात ने अपहरण कराया और खेता में ले जाकर बारी बारी उसकी गेला दुष्कर्म कराया। इतना ही नहीं, आरोपियां अगस्त महिला में भी पीड़िता की गेला गैंगरेप कराया था, तब पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया था लेकिन बाद में वो रद्द कर लिया। फिलहाल महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी इब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो रहे हैं। आई थी रोपड़ा का गांव से, तो उसमें बताया कि भी उनकी बेटी के साथ चार लड़कों ने, गांव के ही लड़कों ने गैंगरेप किया है, और इससे पहले भी उन्होंने बताया कि अगस्त के महीने में उन्होंने गैंगरेप किया था, जिसका मुकदमा थाना बहन में दर्ज है, और कल भी उन्हीं लड़कों के खिलाफ इन्होंने दोबारा से कंप्लेंट करवाई। शिकायत में क्या कहा है कि वो कहीं घर पे थी, कहाँ से कैसे ले गए? ये रात के बता रही है कि रात में पेशाब करने के लिए निकली थी, तो गली में वो खड़े थे। चारों कार्रवाई की एफआईआर दर्ज कर दी है, मेडिकल करवा दिया है इनके, आज बयान अभी कोर्ट में ले जा रहे हैं बयान करवा। इस खबर पर घनी जानकारी ती पलवल तमारी गेल्या हमारे संवाददाता भगत तेवतिया हमारी गेल्या जुड़ गए हैं। जी भगत, जानना चाहवांगे कि पलवल ते एक और इंसानियत ने शर्मसार करने वाली जो घटना सवा शामी आई से कि कुछ और घनी जानकारी साढ़े खबर न शामी आई से कि एक 17 साल की एक जो युवती से उसकी गेल्या दुष्कर्म कराया गया से, और हालांकि अगस्त में भी करा गया था लेकिन जब पुलिस ने के करी थी एक रिपोर्ट दर्ज कर ली, बाद में वह कैंसिल भी कर दी थी। जी बिल्कुल, अब हम अधीन क्षेत्र के पलवल जिले के अधीन क्षेत्र का मामला आया, जहाँ अब 13 अगस्त को भी उक्त जो पीड़ित लड़की है उसके साथ यहाँ गैंगरेप किया गया, और दोबारा से फिर आरोपियों ने वही उक्त आरोपियों ने दोबारा फिर चार जो आरोपी हैं उन्होंने जो पीड़िता के साथ गैंगरेप किया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने इस मामले में मामला दर्ज किया है, लेकिन अभी तक जो आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिससे पीड़ित परिवार में जो पुलिस के प्रति और जो आरोपी है उनके प्रति रोष। जी, ते अगस्त में जब इस पीड़िता की गेला जब गैंग रेप होया तो पुलिसिया ने जब उनकी एफआईआर लिख ली थी और बाद में वह कैंसिल कर दी थी, तो जब के कुछ कारण रहे यो कि सवाल प्रशासन पे नहीं उठता से? बिल्कुल, या इस बारे में जब महिला थाना प्रभारी जो हीरामणि है उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि उन्होंने 2 दिन पूर्व चार्ज लिया है और उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है कि जो 13 अगस्त को जो मामला हुआ था उसकी वो रिपोर्ट मंगाकर पता करेंगे कि क्या कारण रहे जिसमें अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई या किस कारण से वो मामला कैंसिल किया। जी, तो जो पीड़ित बच्ची से उसके परिजना का के कहना से उनने के उम्मीद लागे से कि प्रशासन उन्हें न्याय देवेगा?
जी बिल्कुल, जो पीड़ित परिवार है उसका कहना है कि लगातार जिस तरह से अगस्त में भी उनके साथ उनकी बेटी है उनके साथ ये हादसा हुआ, और अब दोबारा से आरोपियों ने इस तरह की जो अपहरण कर जो केंद्रित किया है, इससे लगता है कि जो अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद है और इस तरह लगातार जो वारदात है इसलिए उनका दोबारा हौसला बढ़ाया और तब इस वारदात को अंजाम दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया भगत हमारी गला जुड़न ताई, यार या जो जानकारी से पलवल ते सीधा हमारे ताई पहुंचाण ताई, ते या खबर भी हमने दिखाई बड़े अफसोस की गेला हम बताण लाग रहे से कि 17 वर्षीय एक लड़की की गेला गैंगरेप होया से और पूरे देश ने शर्मसार करने वाली जो वारदात है वह तकरीबन इन महीना में घणीए सारी शामी आई से। फतेहाबाद में एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का असर होया सा, आपने बता दिया कि पिछले 9 दिन तक जारी किसानों के धरने ने हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता तक दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन ने किसानों की सुध ली। सार रेंज के कमिश्नर और किसानों के बीच हुई बातचीत के बाद किसानों ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा करी। प्रशासन ने किसानों पर पराली ने लेकर दर्ज मामले पर कार्रवाई न करने की भी बात कही। प्रशासन ने किसानों से वादा कराया है कि वह 15 दिन तक किसानों पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। इसी दौरान बिजली मंत्री रणजीत सिंह से भी किसानों की मुलाकात कराई जाएगी, जिसमें किसान अपनी मांग उनके शामी रखेंगे। किसान नेता ने कहा है कि अगर प्रशासन अपनी बात मुकरे से तो किसान फिर से अपना आंदोलन शुरू कर देंगे। ब्रेक के बाद आप सारे का घना स्वागत से, तो चलो बड़ा खबरा की ओर। हरियाणा रोडवेज की किलोमीटर स्कीम ने लेकर तालमेल कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह धनखड़ ने कहा है कि स्कीम में व्याप्त भ्रष्टाचार न खत्म करने की बजाय गठबंधन की सरकार रोडवेज का निजीकरण पर तुल रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार इसने धनंजय या फिर जो दनाड़े लोग हैं उनके हाथों में सौंपना चाह रही है, जो रोडवेज कर्मचारी किसी ने किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। धनखड़ ने सरकार से रिक्वेस्ट करते हुए कहा है कि सरकार किलोमीटर स्कीम ने रद्द करके हरियाणा रोडवेज के बेड़े में हर साल 2000 जो बस है वह शामिल करें। जो किलोमीटर स्कीम है, यदि राज्य की सरकार उच्च न्यायालय द्वारा बिजनेस ब्यूरो द्वारा इसमें महाभ्रष्टाचार था उसकी इंक्वायरी करनी तो दूर की बात, हमें अंदेशा इस बात का है कि सरकार पुणे किलोमीटर स्कीम के माध्यम से इन गाड़ियों को चलाना चाहती है। रोडवेज का कर्मचारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। नई सरकार आई है, हमारी माननीय मंत्री महोदय से ये आग्रह और अनुरोध है कि किलोमीटर स्कीम को सिरे से रद्द करते हुए हरियाणा रोडवेज के बेड़े में प्रतिवर्ष 2000 साधारण गाड़ियां शामिल करें, ताकि जनता को अच्छी और सुखात्मक दृष्टि से बढ़िया परिवहन सेवा उपलब्ध करवाई जा सके। ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन के सदस्यों ने बिजली निगम कार्यालय के बाहर लंबित पड़ी मांगा ने लेकर घना बड़ा प्रदर्शन करा। कर्मचारियों ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अधिकारी आम जनता ने पूरी सुविधा नहीं दे पा रहे हैं और जितने भी टेंडर बिजली बोर्ड की ओर से जारी करे जा सारे में घोटाला हुए है। उन्होंने भी कहा है कि अगर कच्चे कर्मचारियों ने पक्का करने और भ्रष्टाचार रोकने के समेत कई दूसरी मांग उनकी नहीं मानी गई तो वह आने वाली 8 तारीख ने और घना बड़ा प्रदर्शन करेंगे। बिजली निगमों में कार्यरत एसडीओज को, अकाउंटेंट को जो बर्खास्त किया गया उनको रिवर्ट किया गया। दूसरा, कच्चे कर्मचारियों की मांगों को लेकर लगभग 2006 से बिजली निगमों में कच्चे कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको आज तक रेगुलर नहीं किया गया। ठेकेदारी प्रथा, ठेकेदार जो इनका शोषण कर रहे हैं उसके विरोध को लेकर, और जो बिजली निगमों में आज एक भ्रष्टाचार जो फैला है उसको लेकर भी हमारा आज ये विरोध। बल्लभगढ़ में लगातार प्रशासन सतर्क होता दिखने लग रहा है। बता दिया कि सब तो पहला प्रशासन अतिक्रमण ने लेकर सख्त कदम उठाए, इसके बाद रैन बसेरा पे कार्रवाई कर रही। बल्लभगढ़ ने स्वच्छ सुथरा बनाने खातर प्रशासन ने सफाई अभियान छेड़ रखा है। इसे में कोई भी सड़क पर कूड़ा गिरता हुआ पाया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश बल्लभगढ़ के एसडीएम त्रिलोक चंद ने दे दिए। हमने अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया था बल्लभगढ़ शहर के अंदर, तो वो आपके सामने है ही, और वो व्यवस्था पूरी तरह से चलती रहे इसके लिए मैंने सुबह भी 2 बार दौरा किया है और
लोगों ने मुझे बताया कि व्यवस्था पूरी तरह से अच्छी है, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग उसी हिसाब से कार्य कर रहे हैं जिस तरह से उनको कल समझाया गया था। अंबाला रेलवे स्टेशन पर कोहरे के चलते अचानक लगभग डेढ़ दर्जन जो ट्रेन सेवा रद्द कर दी गई। हालांकि रेलवे विभाग ने इन दिनों धुंध के कारण घनी सारी ट्रेन रद्द करी से, लेकिन बावजूद इसके फिर भी रेलवे विभाग यात्रियों का रिजर्वेशन करे से, जिससे अचानक ट्रेन रद्द होने जाने की स्थिति में यात्रियों ने घनी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं स्टेशन के निदेशक BS गिल ने बताया कि रेलवे विभाग अपनी पंक्चुअलिटी न बनाए रखने खातर धुंध के कारण इन दिनों में कुछ जो ट्रेन से उन्हें आंशिक रूप से रद्द करे से, ताकि जो आने वाली ट्रेन से वह टाइम पर आई जाए, और साथ ही यात्रियों का जो भी किराया से वो हम रिफंड कर दें। टिकट कराई है अंबाला से जम्मू तवी के टिकट है जो ट्रेन नंबर है 14605। जब इन्होंने ट्रेन कैंसिल करनी थी तो रिजर्वेशन करने की क्या जरूरत थी, इन्हें एडवांस में पहले ही मतलब पता है कि इन दिनों में ट्रेन ऑलवेज कैंसिल होती है टिकट, तो रिजर्वेशन करने की क्या जरूरत है। अब मुझे किसी अदर दूसरी ट्रेन में जगह नहीं मिल रही है, बताओ मैं कैसे जाऊँ। सीजन पे जो हमारी ट्रेन डिले होती है उसके कारण रेलवे अपनी पंक्चुअलिटी को बनाने के लिए कुछ ट्रेन को हर साल की तरह कैंसिल कर देता है, और तथा इसमें जो यात्री हैं उनको प्रॉपर रिफंड वगैरह अरेंज कर दिया जाता है। यमुनानगर से PWD ठेकेदारों की बड़ी लापरवाही का एक मामला सामने आया है। वार्ड नंबर 9 तेजली रोड पर PWD की ओर से बनाई गई सड़क महज 24 घंटे में पाट गई। जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध कराया तो काले बनी सड़क पर आज पैच लगाए जाने लगे, और मामले की जानकारी अधिकारियों तक दी गई। मामले की सूचना मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और सड़क का हाल देख हैरान हो गए। सड़क की हालत देखने के बाद मेयर ने सड़क दोबारा बनाने के निर्देश दिए। अन्य कहा कि जब तक इसकी गुणवत्ता और स्थानीय लोगों की संतुष्टि नहीं दी, जब ताई ठेकेदार की पेमेंट कती नहीं करांगे। तो फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में आज तक इतनी एक खबर सर। जानते जानते हम आपने एक सवाल बताकर जावा सर, जिसका जवाब आपने देना ही पड़ेगा। सवाल से क्या हैदराबाद दिशा केस में चारों आरोपियों का एनकाउंटर सही है? अगर आपका जवाब हां है तो यस टाइप करके भेजिएगा, ना है तो नो टाइप करके भेजिएगा। और जो नंबर है वो भी सुन लो, 8743010009। यो नंबर व्हाट्सएप नंबर से आपका जो भी जवाब हो वो मारते भेजना। सवाल एक बार और बता दूं कि हैदराबाद दिशा केस में चारों आरोपियों का जो एनकाउंटर है वो सही होया से यस और नो का थारे जवाब काम नहीं इंतजार रहेगा। तो फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में इतना है। राम राम।